उत्तर भारत के ऐतिहासिक रामलीला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामलीला में राजा दशरथ संजय मित्तल बनेंगे, जबकि संजय मित्तल की पत्नी रानी कौशल्या बनेंगे। राजा दशरथ और रानी कौशल्या बनने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। हाँ, अपनी रामलीला पुरानी परंपरा के अनुसार जो मंडली हमारी लीला करती है, उसके अलावा एक दशरथ जी और कौशल्या की भूमिका के लिए आगरा के अपने बीच के लोगों में से, शहर के प्रमुख लोगों में से किसी को बनाया जाता है। तो इस वर्ष श्री संजय मित्तल जी, उनकी धर्मपत्नी संजय मित्तल जी को दशरथ की भूमिका में और श्रीमती सपना मित्तल जी को कौशल्या की भूमिका के लिए यहां घोषित किया है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या का जो स्थान उनको दिया गया है, और ये अच्छी बात है। इसी प्रकार जनकपुरी में भी राजा जनक की भूमिका निश्चित की गई है, और ये पिछले अनेक वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। और अब हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पुरानी परंपराओं का निर्वाह करते हुए ये एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। और रामलीला का जो मंचन 12 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें सभी को मालूम है कि दशरथ जी की बड़ी भारी भूमिका है, क्योंकि दशरथ जी ही बारात लेकर जनकपुरी जाएंगे और सारा काम करेंगे। तो संजय जी के रूप में, वो दशरथ के रूप में अब संजय मित्तल जी होंगे, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उनको आज सभी लोगों ने बधाई दी है। ये श्री रामलीला कमेटी उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ रामलीला महोत्सव का आयोजन करती है, और पिछले लगभग 150 वर्षों से ये आयोजन होता आया है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण जनकपुरी राम बारात दशहरे पे 4 दिन की आखिरी की लीला होती है, और उसी क्रम में राम बारात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राम बारात में दशरथ जी का रोल इस बार शहर के प्रमुख साड़ी व्यवसायी संजय मित्तल जी को दिया गया है, और उनको दशरथ आज हमारे अध्यक्ष जी ने घोषित किया है। उसी प्रकार, जैसा कि सब लोगों को मालूम है, इस बार बारात बहुत धूमधाम से दयालबाग क्षेत्र में जाएगी और वहाँ पर लक्की मेला होगा, बड़ा भव्य आयोजन होता है। आगरे की जनता इससे सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी सफलतम आयोजन होगा।